भोपाल शहर के शास्त्री नगर मोहल्ले में उस समय अफरा तफरी मच गई, जब एक मगरमच्छ एक व्यक्ति के घर में घुस आया और तबेला में बांधे गए भैंस पर हमला करने का प्रयास किया, जिसके बाद भैंस चिल्लाने लगी और लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। घटना इन्हें 727 व गंडक नदी के बीच बसे शहर के शास्त्री नगर अंतर्गत वार्ड 15 के शंभुगिरी के घर में देर रात एक मगरमच्छ घुस गया, जिसकी सूचना वन विभाग को दी गई। जब सूचना के बाद वन विभाग की टीम नहीं पहुंची तो ग्रामीणों ने बांस बल्ली के सहारे मगरमच्छ को नदी की तरफ किया। लोगों ने बताया कि बथान में बांधी गाय भैंस अचानक रंभाने लगी। भैंस की आवाज सुनकर घर के सदस्य बताने में पहुंचे, जहां एक मगरमच्छ को भैंस के तबेले में देखा, जिसके बाद घर वाले शोर मचाना शुरू किया। अगल बगल के लोग इकट्ठा हो गए और मगरमच्छ को देख वन विभाग के अधिकारियों को फोन किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि जब उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दी तो उन्होंने अपना रेंज न होने का हवाला दे दिया। वन विभाग द्वारा सुधी नहीं लिए जाने के कारण मोहल्ले में घंटों अफरा तफरी और हड़कंप का माहौल रहा। बता दें कि देर रात से लगातार बारिश हो रही है, लिहाजा मगरमच्छ के रेस्क्यू में लोगों को काफी मशक्कत करना पड़ा। ग्रामीणों के मुताबिक गंडक नदी नजदीक होने की वजह से मगरमच्छ रिहायशी इलाके में पहुंच गया था। गंडक नदी को मगरमच्छ और घड़ियालों में संरक्षण के लिए आश्रय क्षेत्र बनाया गया है। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज पेपर दरभंगा।